जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण जोश। मैं हूं निधि मित्तल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स में एयरमैन कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एयरफोर्स में एयरमैन की पोस्ट आर्मी के सोल्जर के बराबर मानी जाती है। एयरफोर्स में समय समय पर एयरमैन की पोस्ट पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड में ढेरों वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, जिसमें कैंडिडेट्स अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप एक्स और वाई के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ग्रुप के एयरमैन का काम रडार, स्पेशलिस्ट वाहनों आदि की सर्विस करना होता है, जबकि नॉन टेक्निकल ग्रुप के एयरमैन का काम एडमिन और फाइनेंस से जुड़ा होता है। जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो एयरमैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के द्वारा सिलेक्ट किए गए सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। एयरमैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं से ग्रेजुएशन पास तक होती है, जिसमें कैंडिडेट ने मैथ, साइंस और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। एयरमैन की पोस्ट के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच है। हालांकि ये कैंडिडेट के द्वारा सिलेक्ट किए गए सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। जहां तक सिलेक्शन की बात है, तो वह रिटन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाता है। एयरमैन की ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को 14,600 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मिलिट्री सर्विस पे समेत 26,900 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता है, जिसके साथ DNS अलाउंस भी दिया जाता है और यह सर्विस के साथ बढ़ता रहता है। एयरफोर्स में अलग अलग ग्रुप्स में वैकेंसियां निकलती हैं। एयरफोर्स में एयरमैन की पोस्ट पर रैलियों के जरिए भी हायरिंग की जाती है। इन वैकेंसियों की लेटेस्ट जानकारी आप हमारे वेब पोर्टल jagranjosh.com से भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरियां।